नमस्कार दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से कहानी बदली है, नया रंग बदला है। बात की जाए इस समय राधा की, तो राधा पूरी तरीका से बोलती हुई नज़र आ रही है कि ऐसे हैवान को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए जो महिलाओं को किसी लायक नहीं समझता है, महिलाओं का अपमान करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अपमान करने के मामले में मामा को इस बार जो कि सीधा सीधा होगी जेल की सज़ा, जी हाँ, पुलिस के हवाले किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों मामा के कुकर्म ही इस तरीके से थे, उसने कांडे ऐसे किए हैं। लेकिन वहाँ पर शांत बैठने वालों में से नहीं है राधा। राधा ने बोला है कि मामा को जो साथ दे रहा था उनकी भी अब जो कि इंक्वायरी होने वाली है। और मामा का साथ कोई और नहीं बल्कि दामनी, और दामनी की माँ पूरा सपोर्ट कर रही थी और अब इस चीज़ के ख़िलाफ़ जा चुका है सीधी तरीका से मोहन। मोहन अब पूछता हुआ नजर आएगा दामनी से कि दामनी तुम ये बताओ कि मामा गलत था, इस चीज़ को तुम क्यों सपोर्ट कर रही थी मामा का अच्छा बनने में। मामा ने जो गुनगुन के साथ में जो अपराध करने की कोशिश की है, गुनगुन को भी थप्पड़ मारा है, राधा को गलत तरीक़ा से हाथ लगा है, उसका शोषण करने की कोशिश की है, इसके लिए जो कि वाकई में दामनी को जवाब देना पड़ेगा। हालांकि दामनी बात को घुमाती हुई नज़र आने वाली है कि मोहन जी मुझे तो ऐसा पता भी नहीं था कि मामा जी कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन इधर बोल दिया है आखिरकार मोहन ने कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन तुम आंदा को अपनी जुबान को बिल्कुल बंद रखना, क्योंकि इस बार तो मैं माफ़ कर रहा हूँ तुम्हें ज़रूर, लेकिन ऐसा ना हो कि अगली बार माफ़ी नहीं सीधा सीधा इस घर से ही तुम्हें निकलने के लिए हाथ धोना पड़े। और वाकई में दोस्तों एक रियलिटी है कि कहानी में अक्सर ट्विस्ट बदलते हुए बहुत देखे हैं हम लोगों ने। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक।